नमस्कार, मैं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं नगर परिषद पलवल के वार्ड नंबर 12 में, जो पार्षद पद की प्रबल दावेदार हैं रेणु छाबड़ा जी। उनसे हम बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और क्या अपील करेंगे वोट को लेकर। हमारे साथ भी मौजूद है रेणु छाबड़ा जी। रेणु छाबड़ा जी, स्वागत है आपका। रेणु छाबड़ा जी, आप पार्षद पद के प्रबल दावेदार हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रही जनता के बीच? देखिए, मेरा सबसे पहले तो अपना सफाई के ऊपर है। जो सफाई के मुद्दे, जैसे पानी हर जगह भरा हुआ है, नालियाँ हो जाती हैं, तो मेरा मुद्दा ये रहेगा कि मैं वाटर अपना हार्वेस्टिंग करवाएं, जिससे कि ये सारे परेशानियाँ जो हैं पानी निसाव की, वो सारे दूर हो सके। और दूसरी सब बात मेरी जो खास ये रहेगी कि एक तो जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह जो ऐसी जानवर घूमते रहते हैं, उनके लिए भी एक ऐसा कहीं पर मिले प्रशासन की तरफ से कि उनकी भी ट्रीटमेंट हो सके और कहीं पे उनको एक स्ट्रीट डॉग को मिल कहीं घर मिल सके कि जहाँ पे रह सके। और तीसरा मेरा ये रहेगा कि एक महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कि महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो पूरे वार्ड में मैं यही चाहूँगी कि अपने दोनों तरफ से हमारे गेट हों, चौकीदार हों, जिससे और CCTV कैमराज लगे हों, जिससे कि हम कोई भी अगर कोई चोरी होती है या लेडीज़ के साथ कोई भी छेड़छाड़ी होती है या चेन स्नैच कुछ भी होता है, तो उसका हमें जल्दी से पता लगे कैमरे के अनुसार। और मेरा आगे शिक्षा के लिए भी रहेगा कि महिलाओं की और छोटे छोटे बच्चे जो ऐसी लड़कियां घूमती रहती हैं, तो उनको हम शिक्षा प्रोवाइड करें, क्योंकि मैंने पहले भी अपना कोरोना के पहले मेरा पार्क में ऐसे चलता था कि मैं रात छोटे छोटे बच्चों को, गरीबों को ट्यूशन्स पढ़ाती थी। तो मैं वही अपना और आगे उससे और भी ज़्यादा करना चाहूँगी प्रशासन की इसके मदद से। और जो पार्क की व्यवस्था है जो बिगड़ी हुई है, सारे पार्क की आपने देखा है, कहीं पे भी सफाई नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई उसको देख रेख नहीं है, ना ही कोई चौकीदार होता है। लोग गंद मचा देते हैं हर तरह का, और वहाँ पे गंदगी इतनी होती है और घास भी सूखी हुई है। और पेड़ लगाने के लिए मैं सबको यही होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे पर्यावरण भी हमारा हो और हमारा वार्ड सुंदर लगे। और ये जो वार्ड है नंबर 12, हाँ जी, तो ये 31 वार्डों में से सबसे बड़ा वार्ड है। समय कम है, किस तरीके से आप मेहनत करोगे? देखिए, मैं अपनी मेहनत जब से ये घोषित हुआ था कि नगर परिषद भंग हुई थी, तो और हमारा वार्ड जब से हुआ कि लेडीज़ वार्ड है, तो मुझे 1.5 साल हो गया अपने वार्ड में पूरा घूमते हुए और अच्छे से लोगों से मिलते हुए और संपर्क बनाते हुए। तो मैंने अपनी तरफ से खूब मेहनत करी है, और एक समाज सेवा होने के नाते, सेविका होने के नाते, लोग मुझे अच्छे से जानते भी हैं। और मैं अपने सारे वार्ड 12 के बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े, सबसे और बहनों से सब मुझे, मेरे को लगता है कि मेरे को वो जरूर इस बार अपना एक महिला को, एक महिला वार्ड होने के नाते कि एक पार्षद पति को नहीं, एक पार्षद महिला को वो चुनेंगे, जिससे कि हम उनकी आगे मैं सेवा जो और समाज सेवी कर रही हूँ, ऐसी मुझे एक और प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे मैं अपने वार्ड को अच्छे से अच्छे मेंटेन कर सकूं और बड़े बुजुर्गों का, सभी का आशीर्वाद लेना चाहूँगी। रेणु जी, आप आम आदमी पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं, तो पार्टी के निशान पे क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा जबकि आपने वोट? देखिए, ये तो मुद्दा ऐसा नहीं है कि पार्टी के सिंबल से क्यों नहीं लड़ी। एक तो वजह ये रही है कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि साल से मैं जैसे मिल रही हूँ वार्ड में, तो कई बुजुर्गों का, कईयों का था कि अभी रुझान नहीं है यहाँ पे आम आदमी पार्टी का। और एक हमें पार्टी से नहीं, हमें एक चेहरे से और काम करने वाले उससे चाहिए। तो अगर हम उनका यही, तो पूरा देख रेख के और सब सोच समझ के मेरे को यही लगा कि अगर मैं निर्दलीय लड़ूं तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो अपने वार्ड के लिए देखिए काम करना है, पार्टी सिंबल से कोई नहीं है, सिर्फ एक विचार और जो भाषा होनी चाहिए और जो काम करने का व्यवहार है वो अच्छा हो, तो मेरे को लगता है यही ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेणु जी, आप एक गृहिणी हैं, गृहिणी के साथ साथ आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? देखिए, मैं राजनीति में नहीं आने का ये नहीं है, एक समाज सेविका भी हूँ, ये तो आपको पता ही है, हमारी करुणा में ही संस्था भी है, और मैंने अपना पूरा सहयोग दिया कोरोना काल में भी और वैसे भी और अभी तक भी, और वो आगे भी चलती रहेगी निरंतर। ये नहीं है कि आज चल रही है तो कल मैं कुछ बनने के बाद ना करूं, पर वो मेरी पहली सेवा है कि जो मैं लोगों की ऐसी सेवा करती हूं। और मेरा राजनीति में आने का मकसद ये है कि भाई, अगर एक समाज सेविका का होने के नाते तो जो मेरे से काम होते हैं, जो कार्य होते हैं, वो तो हम करते ही हैं, पर एक प्लेटफॉर्म और मिलता है जिससे लोगों की और समस्याएं हैं जो दूर कर सकूं मैं, गरीबों की, जो गरीब तबकों तक वो पार्षद जो भी उनको फैसिलिटी होती है गवर्नमेंट सरकार की तरफ से जो मिलती है वो उनको नहीं मिल पाती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर मैं बनूँ
तो मैं खासकर महिलाओं के लिए और वो गरीब तबके के लिए जरूर कर सकती हूँ। जी, चुनाव चिन्ह के साथ साथ कोई अपील करना चाहती हैं? चुनाव चिन्ह बताएं और क्या अपील करना चाहती हैं? देखिए, चुनाव चिन्ह मेरा साइकिल है जो गरीबों का सहारा है और एक अच्छी एक्सरसाइज भी है साइकिल से। तो मैं यही सभी से अपने वार्ड 12 के सभी बड़े बुजुर्गों, बहनों सभी से हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि इस बार एक एक महिला को और महिला पार्षद को चुनिए, ना कि पार्षद पति को चुनिए, और जो आपको अच्छा लगे, और मैं आपकी हर सेवा में अर्पण रहूंगी और 24 घंटे अवेलेबल रहूंगी, ऐसे जैसे पहले थी ऐसे ही बाद में भी रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ और भी लोग मौजूद तो उनसे भी बात कर लेते हैं, क्या रुझान है। जी बाबा, क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? वाड़वारा से। तो किसको जिता रहे, किसको पार्षद बना रहे हो? रेनू छाबड़ा को जिता रहे। क्यों, और भी तो खड़े हैं वार्ड में? बाकी लेडी ना काम करने वाली है, उनके हस्बैंड जाएंगे, आपसे बात हस्बैंड करेंगे। इस वार्ड में लेडी बात कर रही थी जी, तो उम्मीद है आपको खड़े उतरेंगे, आपकी उम्मीद है? बिल्कुल 100%। जी चाचा, क्या नाम है? नहीं, चलो कोई नहीं, और भी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। जी भाई, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार। किसको पार्षद बना रहे हो? हम जहाँ बैठे हैं देखो, उनकी हम तो वोटर भी हैं और सपोर्टर भी हैं। हम तो चाहेंगे पूरी वार्ड से भी, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि रेनू छाबड़ा आगे जो बढ़ रही है, इनको आगे बढ़ाएं और अच्छे वोटों से विजयी बनाएं, ताकि अपनी वार्ड की जो है वो सेवा कर सकें, जो अब तक भी कर रही हैं और आगे भी वो करें। मेरा नाम अमित अरोड़ा है। आप युवा हैं, अगर रेनू छाबड़ा जीतती है तो युवाओं के लिए क्या काम करोगे? युवाओं के लिए तो हम यही चाहेंगे कि युवाओं को थोड़ा रोजगार मिले और वार्ड में थोड़ा सा सफाई सफुई का जो काम है वो इनको बहुत अच्छा है, अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं। जो पति हैं वो भी खड़े, उनसे बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका। आपकी धर्म पत्नी जी खड़ी हैं पार्षद के लिए, तो क्या कहना चाहोगे, कितना आपकी तरफ से कितना सपोर्ट है? देखिए, हमारे से जो भी मदद मिलती है पूरे परिवार की, पारिवारिक मदद है, वो है हमारी तरफ से। बाकी मेहनत उनकी अपनी, महिला वार्ड है, स्वयं मेहनत कर रही है, ना कि मेरे भरोसे है या किसी परिवार के भरोसे। उनकी उनका व्यक्तित्व और उनका काम वही पार्षद पद के वोट के लिए काम आएंगे, सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत, मेरा कोई रोल नहीं है उसमें। जी भाई साहब, क्या नाम है? प्रेम भारद्वाज। कहाँ से भाई? मैं पलवल सिंह। जी, रेनू छाबड़ा जी पार्षद के लिए खड़ी हुई है, कैसा रुझान है और कैसा व्यवहार है? देखो जी, ये राजनीति है, पार्षद होता है समाज सेवा, उनको समाज सेवा करनी है। मैं कह रहा हूँ पलवल में इनसे बड़ा कोई समाज सेवी नहीं है। कोरोना काल की मैं बता देता हूँ आपको, कोविड की इन्होंने कोविड के घर घर जाके लोगों को अपील की, अगर आपको किसी चीज़ का कोई कैसा भी कुछ, मान लो किसी का सिलेंडर खत्म हो गया, किसी का राशन पानी खत्म हो गया, घर घर जाकर राशन किए, राशन बांटे। और सरकारी हॉस्पिटल में जो क्वारंटाइन जो हुए थे उनके लिए खाना है, मेरे को आज भी बताया कि छाबड़ा जी के घर से जाता था। दूसरा, वैक्सीनेशन जो इनको कैंप लगाया इन्होंने, इतने कैंप लगाए हैं कि इनकी आप कह ही नहीं सकते। लोगों को चाहिए स्वास्थ्य में सुधार। देखो, राजनीति एक अलग चीज़ है और समाज सेवा एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं कहूँगा अगर समाज सेवी को राजनीति में मिलने का मौका मिल जाए तो वो इतने काम कराएंगे, बहुत अच्छे काम कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। आप देख सकते हैं कार्यालय का।